अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर यूपी से ही हमें मिल रही है। योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तंज कसा है। सपा ने प्रत्याशी बदला है। कैराना पलायन का फिर मुद्दा उठाया गया है। यूपी के योगी के आरोप के बाद सपा ने अपना प्रत्याशी बदला है। कैराना सीट पर सपा ने प्रत्याशी बदला है। नाहिद हसन की बहन इकरा को टिकट दिया गया है। नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार है। योगी के आरोप के बाद सपा ने अपना प्रत्याशी बदल लिया है। नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार हैं। अब उनकी बहन को टिकट दिया गया है। सपा ने अपना प्रत्याशी बदल लिया है। योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तंज कसा था, जिसके बाद सपा ने अपना प्रत्याशी बदला है। कैराना पलायन का फिर मुद्दा उठाया गया है। कैराना सीट पर सपा ने अपना प्रत्याशी बदला है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता अशफाक। अशफाक हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अशफाक, सपा ने अपना प्रत्याशी बदला, लेकिन तब के जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तंज कसा, कैराना पलायन का मुद्दा उठाया गया, इसके बाद अब कैराना सीट से प्रत्याशी बदल दिया गया है। देखिए, कैराना के जो मौजूदा विधायक हैं, जिनको टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया था, वो नाहिद है, तो वो जो है गिरफ्तार कर लिए गए। दरअसल उन पर गैंगस्टर का एड था, उसके साथ ही कई और मुकदमे उन पे चल रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब उसके बाद जो है, चूंकि चुनाव का मौका है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जो है इस मामले में जो है विपक्ष समाजवादी पार्टी की आलोचना की और कहा कि वो जो है किस तरह के लोगों को टिकट देती है, ये साफ जाहिर होता है। साथ ही उन्होंने कैराना जो है, जो कैराना में लायन का एक विवाद हुआ था 2017 में, उसका मुद्दा उठाया। अब समाजवादी पार्टी ने उनके जो है नाहिद हसन का टिकट बदल के उनकी बहन को टिकट दिया। दरअसल मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग ने इस बार जो ऐसे अपराधी जिनके खिलाफ ऐसे लोग हैं जो आरोपी हैं या अपराधी हैं या मुलजिम है या मुजरिम है, अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए जो है चुनाव आयोग ने बहुत सख्त आदेश जारी किया। दो आदेश, अगर कोई राजनीतिक दल उनको टिकट देता तो वो जो है अखबारों में उनके बारे में कम से कम 3 दिन निकलवाएगा और कुछ प्रत्याशी अपनी डिटेल निकलवाएगा और जो है राजनीतिक दल को ये बताना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि सारे उम्मीदवारों को छोड़कर उसने जो है जो आरोपी है या मुजरिम है या सजायाफ्ता है उसको टिकट दिया। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी राजनीति उत्तर प्रदेश में उतर सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी में लोग, एक एडीआर है, स्वतंत्र संस्था है, जिसने रिपोर्ट दी थी कि उत्तर प्रदेश में करीब 155 विधायकों के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं केसेस चल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर दोबारा चुनाव लड़ेंगे और जो मौजूदा समय में चुनाव लोग लड़ रहे हैं, जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उसमें कई ऐसे हैं जिनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। अब ये जो राजनीति शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलेगा। सियासत अभी और ज्यादा भी इस मुद्दे को लेकर गर्माएगी। अशफाक, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल, अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है, उसके बाद सपा ने अपना प्रत्याशी